ने एक राजनीतिक चिंतन दिया और कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीतिक चिंतन के आधार पर राजनीति करते हैं और कुछ लोग परिवारवाद के चिंतन के आधार पर राजनीति करते हैं। विकास किसके लिए? अंतिम पायदान के व्यक्ति के झोपड़ी तक समृद्धि पहुंचे उसके लिए या समृद्धिशाली लोगों की सुविधा के लिए यह तय होना चाहिए। और पहले की सरकारों ने यही तय किया था समृद्धिशाली लोगों के सुविधा कैसे पहुंचे। और मेरी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने यह निश्चित किया कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के द्वार पर समृद्धि कैसे। पहले क्या होता था? अस्पताल बनेंगे तो सब में बनेंगे, कॉलेज बनेंगे तो सब बनेंगे, सड़कें बनेंगी सब बनेंगे, फ्लाईओवर बनेंगे सब बनेंगे, जितने भी निर्माण कार्य विकास कार्य सब बनेंगे, यहाँ तक कि मुंबई वालों के ठुमके लगेंगे तो भी सब में लगते थे, कहीं और नहीं। तो हमारी सरकार ने किया, जिस एक्सप्रेस वे से मैं आगरा से लखनऊ आता हूँ, जब पहली बार आया था तो वो इटावा के पास का बिंदु सब रास्ता जो दिखाता था वहां से खड़े होकर मैंने जरा दृश्य देखा तो कुछ झोपड़ियां बनी हुई थी और झोपड़ियों में रात का वक्त लाइट भी नहीं थी, एक ये टिमटिमा से तो वो दिख रहे थे। और अब मैं लौटता हूं या जाता हूं तो वहां पक्के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना मुख्यमंत्री आवास योजना के दिखते हैं और हर घर में लाइट दिखती है। यह दिया है मेरे नेता मोदी और योगी ने अंतिम झोंक पर बैठे व्यक्ति के तो सब समृद्धि दी है। यह नहीं दिया कि सैफ में टूटे लगेंगे या सैफ में बिठा। मित्रों, ये समझाना पड़ेगा, योजनाओं को जो लाभार्थी है उसके उनको भी यह बताना पड़ेगा, जाकर उनके घरों में कुछ अब समय वो भी आ रहा है पार्टी का कार्यक्रम वो भी दिया है कि उन लोगों को भी बताइए कि हम आप लोगों को क्या मिला है योगी जी और मोदी जी सरकार, क्या उपलब्धि है आपकी, चाहे वो कोई भी योजना हो, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, अनेक योजना है, सुबह से शाम हो जाए समाप्त नहीं होगी। पहले भी क्यों नहीं होता था ऐसा और अब क्यों होता है ऐसा, ये बताया जा रहा है कि 8 साल कितने बेमिसाल थे। अभी सभी वक्ताओं ने यह बताया कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की चिंता कैसे मोदी जी और योगी जी ने की है, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो सभी वर्गों के लिए हैं, जो उनका मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मूल बंदी के परिधि में कौन कौन सी योजनाएं हैं जो अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को लाभान्वित कर रही है। अभी उपेंद्र जी ने और मस्त जी ने तुलनात्मक अध्ययन किया है अब की सरकार और अब की सरकार। मित्रों, शकुंतला जी ने भी काफी विस्तार से हर बिंदु पर चर्चा की है। अब मैं आप सबके चेहरे भी पढ़ रहा हूं कि आप सबको भी विलंब हो रहा है, आपके चेहरे से मालूम पड़ रहा है कि अब मुझे झेलने की ताकत आपकी चुकती जा रही है। तो मैं उन बिंदुओं को दोबारा नहीं कहूंगा जिन पर हमारे पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से प्रकाश डाला है, लेकिन तब की सरकार और अब की सरकार जिस भूमि में मैं खड़ा हूं वहीं से शुरू करता हूं। यह स्वाभिमान की भूमि है, यह भारत के सम्मान की अलग जगाने वाली भूमि है, भारत माता के श्री चरणों में सिर कटाने की तमन्ना रखने वाले नौजवानी की भूमि है। मित्रों, एक समय था जब यह कहने वाले लोग थे राजनीति के अंदर
कि मेरे गले पर तलवार रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूं। और शर्मनाक स्थिति है कि इस विचार के समर्थन में एक राजनीति खड़ी होती थी, इस देश के अंदर विरोध नहीं होता था। तब जब ये बातें होती होंगी तो इस बलिया की भूमि के क्रांतिकारियों की आत्माएं कहाती होंगी ऊपर स्वर्ग में कि क्या ये दिन भी देखने को मिलेगा कि राजनीति का यह दौर भी आ जाएगा कि कुछ लोग कहेंगे कि मेरे गर्दन पर तलवार रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूं। एक राजनीति वो किया और एक राजनीति वो देखी मेरे नेता मोदी की कि लंदन के चौराहों पर, मास्को के मैदानों पर, पेरिस के स्क्वायरों पर विदेशों से भारत माता की जय बुलवाई है। मेरा नेता मोदी है, आपका सीना 56 इंच का हुआ कि नहीं हुआ जिस दिन आपने ये दृश्य देखा था कि मेरे नेता मोदी ने विदेशों से भारत माता की जय बुलवाई। यह परिवर्तन का दौर है। यह भी देखा हमने कि जापान का प्रधानमंत्री गंगा मैया की आरती उतार रहा है, हर भारतवासी का सीना 56 इंच का हुआ था, नहीं हुआ था उस दिन, यह देखा हमारे देश। यह भी देखा कि ओबामा जब इस धरती पर उतरा, मैं ये सब बातें उस जमीन से इसलिए कह रहा हूं जिस जमीन ने साहिबान का अलग जगाया है। कई बातें हैं मोदी जी की, सुबह से शाम हो जाएगी, खत्म नहीं होगी, लेकिन उन बातों को छू रहा हूं जो अभी बस भी कह रहे थे। जमीन हिंदुस्तान के साहिबान की अलग अलग गिराने वाली जमीन है। हमारे नेता वह भी थे मनमोहन सिंह जी, जो जब जाते थे तो मालूम नहीं पड़ता था अमेरिका में कि जाम में फंसती थी उनकी गाड़ी। यह भी आपने समाचार पढ़ा और वो भी दृश्य देखा होगा जब ओबामा हिंदुस्तान के सर जमीन पर उतरे, कंधे पर भगवा शॉल पहने हुए, भगवा शॉल ऐसे नहीं पहना था, मोदी सबको संदेश देना चाहते थे पूरी दुनिया को, भगवा शॉल पहने और जब अगवानी की है, हेलो मिस्टर ओबामा, मेरा सीना 56 इंच का हुआ था उस दिन, हर हिंदुस्तानी का सीना 56 इंच का हुआ था उस दिन, यह दिया है मोदी ने। मित्रों, ऐसे ही स्वाभिमान सेना का सम्मान वह दिन भी देखा था आप लोगों ने जब हिंदुस्तान के सैनिकों को सरकार के पाकिस्तान से आ चुके थे, सीमा पार से आए थे, तो इस देश का प्रधानमंत्री प्रेम पत्र लिख रहा था कि निंदा योग्य है यह कृत्य, भर्त्सना योग्य है, यह कह रहा था और अपने कर्तव्य की इतिश्री कर रहा था। हर हिंदुस्तानी के दिल में आग थी कि कुछ होना चाहिए, ठीक नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि बदला लेना चाहिए। सैन्यवाहिनियां मचल रही थी और ऐसी बात नहीं है कि हिंदुस्तान की सेना में कमजोर थी तो राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर। और वह तस्वीर देखा आपने जब पुलवामा हुआ तो घुसकर मारा है हिंदुस्तान का खौफ पाकिस्तान के अंदर घुस कर पैदा हुआ था। यह भी देखा हमने यह परिवर्तन देखा हमने यह भी देखा कि जब चीन कुछ कहता था धमकी देता था, हिंदुस्तान का नेतृत्व दुनिया का हुआ घूमता था और नजर से नजर मिलाकर आंख से आंख मिलाकर चीन हिंदुस्तान के सैनिकों को खदेड़ते हुए भी देखा। मेरा सीना और आप सबका सीना 56 इंच का हुआ कि नहीं हुआ उस दिन यह पूछना चाहता हूं। यह परिवर्तन देखा, देश के सम्मान और देश के स्वाभिमान का अलग जगाया है मेरे नेता ने, पूरा सीन बदल दिया है। जैसा मेरा नेता मोदी है इसलिए हम कहते हैं कि उसको आजीवन देश का प्रधानमंत्री रखना चाहिए। तो ऐसे ही योजना है, जनधन योजना की बात चल रही है, एक पक्ष को नहीं छुआ सकती वक्ता ने, इसलिए मैं छू रहा हूं।
जनधन योजना उनकी दूरदर्शी योजना थी जिससे भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ी योजना उसकी उसके अंदर छिपी हुई, मैं अपने किस्से से सुनाऊंगा, पड़ोस के किस्से से उसको आपको। मेरे घर के पड़ोस में एक बाल्मीक बस्ती है, वहां की बाल्मीक महिला जो मेरे यहाँ काम करती है वो आई मेरे पास। उस समय मैं विधायक था, बोली 5-6 हजार रुपए मुझे किसी साहूकार से उधार दिलवा दीजिए विधायक जी। मैंने कहा क्यों चाहिए आपको 5-6 हजार उधार? बोले मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसका डॉक्टरों ने खतरा बता दिया है, 10-12 हजार रुपए का खर्चा आएगा, 5-6 हजार की जरूरत और पड़ेगी, किसी साहूकार से ब्याज पर दिलवा दीजिए। मैंने उनसे पूछा क्या तुम्हारा जनधन योजना में अकाउंट है? बोली है, लेकिन उसमें से 150-200 रुपए है बस। मैंने कहा 5 हजार का चेक लेके जाइए, ये बैंक आपको 5 हजार रुपए ओवरड्राफ्ट देगी। बोली उसको पैसे नहीं है। मैंने कहा इस योजना का एक पार्ट है, मोदी जी ने दिया है ये गरीबों के लिए, कि अगर उसे 5 हजार रुपए तक की आकस्मिक जरूरत पड़ जाए तो किसी साहूकार का दरवाजा न खटखटाए तो उसको मिलेगा वहां से बैंक। तो गई, 5 हजार रुपए उसे वहां मिले, बच्ची का इलाज कराया, बच्ची जीवन बच गया। आज उसके घर में उसकी बच्ची की किलकारी गूंज रही है, उससे अच्छे दिन आए कि नहीं आए मैं पूछना चाहता हूं। शायद किसी साहूकार के शिकंजे में बस्ती तो बुरे दिन आ गए होते, और या फिर उसके बच्ची से हाथ धो बैठती तो बुरे दिन आ गए होते। ये दिया है मेरे मोदी ने आज। एक और चतुर्थला जिक्र कर रही थी, बीमा योजना, उसका भी एक उदाहरण अपने क्षेत्र का दूंगा। प्यार किस तरह सीधा लाभ होता है अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, अंतिम फायदा था बैठे व्यक्ति के लिए, यह लौटाना चाहता हूं। 12 रुपए की बीमा योजना, 1 रुपया महीना क्या होता है, पान भी 1 रुपए का नहीं आता। 1 रुपया महीना जमा करना, 12 रुपए की मासिक योजना बीमा की, कहीं किसी का कोई अकाल काल कवलित हो जाए, कोई दुर्घटना का शिकार हो जाए, उसका परिवार क्या करेगा, क्या उसकी पत्नी करेगी, क्या उसके बच्चे करेंगे? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह, बहुत बड़ा व्यवस्था का प्रश्न खड़ा होता था उस परिवार के। मोदी जी ने दिया है कि ऐसा ना हो किसी के घर में, लेकिन कभी हो जाए तो 2 लाख रुपए उसको मिलेंगे, उसके बीवी बच्चों का भविष्य सुधरेगा। मेरे क्षेत्र में ऐसा ही हुआ, हमारे यहाँ बड़ा चरण सिंह जगह है, उसमें एक चाट वाला था, रात को लौट रहा था अपनी रोजी रोटी करके, एक ट्रक कुचल के मार गया। मैं गया, मैंने पूछा कि आपने उस योजना में बीमा कराया है क्या आपके पति ने? बोली हाँ कुछ कराया तो है। देखे था 2 लाख रुपए मिले उसको बैंक। अगर वो नहीं मिलते आज, वो 2 लाख से बच्चों का जीवन यापन कर रही है, छोटा मोटा धंधा कर रही है उसकी पत्नी, अगर वो नहीं मिलते तो क्या करती? उसके बुरे दिन आ जाते, मोदी जी की योजना से अच्छे दिन आए कि नहीं आए मैं। यह दिया है मेरे नेता मोदी ने, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की चिंता करते हुए योजनाएं दी है। लेकिन हमें पहुंचाना है अंतिम छोर तक। आयुष्मान योजना के बारे में आप जानते हैं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बोला होगा तो मैं हम मंच पे आऊं उससे पहले, लेकिन अन्य वक्ताओं ने नहीं पूर्व बोला, इसलिए मैं टच कर रहा हूं। किसी भी परिवार के लिए चिकित्सा कितनी जरूरी होती है, आपने सुना होगा किसी माँ को कहते हुए डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, शायद मेरा घर बुरा बच जाए। या किसी पुत्र को सुना होगा डॉक्टर से कहते हुए कि मेरी माँ को या मेरे पिता को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, शायद मेरा घर बुरा बच जाए, इतनी जरूरत होती है। इससे पहले कि सरकार ने क्यों नहीं खोजा इस बात को कि आम व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा कैसे मिले,
जो 5 लाख तक की सुविधा दी है, किसी को यदि ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है तो या तो कर्ज में जाता था या जीवन से हाथ धोता था। आयुष्मान कार्ड ने सुविधा दी, उसके बाद गोल्डन कार्ड बना और 5 लाख तक की सुविधा चिकित्सा की सरकार उठाती है। ये दिया है मेरे नेता मोदी ने, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति, अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए दिया है।